ठीक है, तो बैकग्राउंड नॉइज नहीं होगा ये इंश्योर कर लीजिएगा स्टूडेंट्स। ओके, तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे कॉस की वैल्यू जो है वन से छोटी होगी या बड़ी, क्या होगी, छोटी होगी वैल्यू, छोटी होगी या बड़ी होगी, वन छोटी से होगी, छोटी बड़ी वैल्यू। होगी। हाँ, तो अब वन से छोटी वैल्यू है और पावर जो है यहाँ पे देखो आप एन इंफिनिटी को टेंड कर रहा है, तो वन से छोटी क्वांटिटी के ऊपर पावर इंफिनिटी कहाँ चला जाएगा, जीरो को। अब यहाँ आ जाओ सेक स्क्वायर पाई एच, सेक की वैल्यू एच टेंडिंग टू वन पे, पाई एच की वैल्यू टेंड कर रही है पाई को, सेक की वैल्यू टेंड कर रही है माइनस वन को, लेकिन वैल्यू माइनस वन से बड़ी है छोटी है, बताओ भाई। जिन लोगों के पास आवाज है मैं उनसे पूछ रहा हूँ, सुरभि को भी मैंने अनम्यूट कर दिया है, बोलो भाई। आप लोग बताते रहो बीच में, आवाज नहीं आ रही आप लोगों की। -1 से छोटी होगी। माइनस वन से छोटी न्यूमेरिकली, तो अगर हम स्क्वायरिंग कर देंगे तो वैल्यू न्यूमेरिकली वन वन से बड़ी हो जाएगी। से बड़ी हो जाएगी। वन से बड़ी क्वांटिटी के ऊपर पावर इंफिनिटी ये कहाँ चला जाएगा, वन से बड़ी क्वांटिटी के ऊपर पावर इंफिनिटी। इन्फिनिटी 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 लॉग में बेस वन के बाद वन से छोटा होने पे फंक्शन डिक्रीजिंग होता है और बेस वन से बड़ा होने पे फंक्शन इंक्रीजिंग होता है, उसकी भी तो वजह यही है, हमारे दिमाग में बैठा हुआ है ना कि क्वांटिटीज जो है उनकी वन से छोटी क्वांटिटी अगर है तो उनका बिहेवियर जस्ट उल्टा होता है वन से बड़ी क्वांटिटी के कंपेरिजन में, तो ऑब्वियसली वन की पावर इन्फिनिटी उसी चीज पे बेस्ड है ना, है ना। बहुत से लोग इसमें कंफ्यूज कर जाते हैं, कंफ्यूज नहीं करना है, ये तो एग्जैक्ट वन की बात हो रही है, जब भी इंडिटरमिनेट फॉर्म की बात होती है तो वो टेंडिंग होता है, और वो जो आप लोगों ने पहले पढ़ा है जीरो की पावर जीरो नॉट डिफाइंड होता है, ठीक है, वो क्या होता है, वो टेंडिंग होता है, एग्जैक्ट होता है, जीरो की पावर जीरो, जीरो डिवाइड बाय जीरो वो क्या होता है भाई, टेंडिंग, एग्जैक्ट होता है, वो एग्जैक्ट। एग्जैक्ट होता है, यहाँ पे टेंडिंग की बात हो रही है। तो देखो क्वेश्चन नंबर वन में डायरेक्ट ये लगा दो फॉर्म, क्या आंसर आ रहा है क्वेश्चन नंबर वन, ई की की पावर टेन। पावर अब 10 देखो क्वेश्चन नंबर वन में आपको जो सॉल्व करना है, यहाँ पे 2x है तो ऊपर में ये जो फॉर्म है स्टैंडर्ड फॉर्म, उसको लाने के लिए 1/2x होना चाहिए, तो अभी तो फिलहाल हम कर रहे हैं, बाकी आगे से हम इसको दिमाग में करेंगे कि 1+2x है तो मुझे 1/2x लाना है ना, तो उसके लिए मैंने क्या किया है, टू से मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो बाहर क्या बच गया 10, तो ये पूरा का पूरा मेरा क्या बन जाएगा, ई e. आंसर हो जाएगा ई e की पावर 10। फिर अब आते हैं जनरलाइज फॉर्म पे, वन की पावर इंफिनिटी का जनरलाइज फॉर्म। अब जनरलाइज फॉर्म में क्या है, जनरलाइज फॉर्म में नहीं, जिन बच्चों को मैंने आ, आ, बोलने का ऑप्शन दे रखा है वो भी कोशिश कर रहे हैं, है ना, कि जब बोलना हो तो अनम्यूट करें ताकि नॉइज मिनिमम हो। आप लोग बोल पा रहे हैं भाई, चार पांच बच्चे जिन लोगों को मैंने अलाउ किया था, चेक यस कर सर, लीजिए। यस सर। ठीक है हाँ, तो अब हम बात कर रहे हैं जनरलाइज फॉर्म की। जनरलाइज फॉर्म में क्या कर रहे हैं, यहाँ पे देखो जो क्वांटिटी है, दिस क्वांटिटी मैं हाईलाइटर यूज कर रहा हूँ, ये जो क्वांटिटी है, अच्छा इस पे हाईलाइटर नहीं चल पा रहा है, ठीक हाँ ये देखो मैंने लाइन किया है 1+x की पावर 1/x को, तो इसमें आप ऑब्जर्व करो कि 1+x जो क्वांटिटी है वो 1 को टेंड कर रहा है और 1/x जो क्वांटिटी है वो टेंड कर रहा है किसको, इंफिनिटी को। नाउ हम इन जनरल ऐसे फंक्शंस कंसिडर कर लेते हैं जिसमें से एक टेंड कर जाए 1 को और दूसरा टेंड कर जाए इन्फिनिटी को,
तो वहां से भी तो हमें 1 की पावर इंफिनिटी का फॉर्म मिल जाएगा. तो लेट लिमिट x टेंडिंग टू a, लेट लिमिट x टेंडिंग टू a fx इक्वल टू 1 एंड लिमिट x टेंडिंग टू a phi x इक्वल टू इंफिनिटी. समझ रहे हो क्या प्लानिंग है? प्लानिंग ये है कि इन जनरल हमने दो फंक्शन ले लिए, प्लानिंग ये है कि एक फंक्शन वन को इंटेंड कर रहा है, दूसरा इंफिनिटी को इंटेंड कर रहा है. तो यहां से लिमिट एक्स टेंड टू ए एफ एक्स की पावर फाइव एक्स जब लिख रहे हैं तो ये वन की पावर इंफिनिटी बन गया. अब करना क्या समझो, करना ये है कि जो वन को जा रहा है, इस बात को ध्यान रखोगे तो वन की पावर इंफिनिटी का हर क्वेश्चन हो जाएगा. जो वन को जा रहा है उसको पकड़ लो, उसमें से वन सब्ट्रैक्ट कर लो, बचा हुआ जो फंक्शन है वो प्रोडक्ट में आ जाएगा. बचा हुआ जो फंक्शन है तुम्हारा वो प्रोडक्ट में आ जाएगा. तो बचा हुआ क्या है? फाइव एक्स. और ये पूरा का पूरा तुम्हें e की पावर में रेज करना है, ये पूरा का पूरा तुम्हें e की पावर में रेज करना है. और इसमें एक कॉमन मिस्टेक भी यही है कि e की पावर में रेज करना लोग भूल जाते हैं. ये देख लेते हैं ऐसा क्यों हुआ है. इसे डील करने का तरीका जो आपने पहले भी देखा है, जो डिफरेंशिएशन में भी आपने यूज किया है, वो क्या होता है? पावर से कैसे डील करते हैं भाई? ये लॉग चैप्टर में हमने पढ़ा है कि पावर जब भी लॉग ले लेते हैं तो एल एन एल लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए फाई एक्स एल एन एफ एक्स. अब यहां से हमें पता है कि जब लॉग का टर्म आ गया है तो लॉग के टर्म के लिए जो स्टैंडर्ड लिमिट है भाई, जब आगे बढ़ेंगे हम तो आगे बढ़ने का रास्ता है स्टैंडर्ड लिमिट से. तो स्टैंडर्ड लिमिट लॉग में एकमात्र हमारे पास क्या है? एल एन वन प्लस एक्स अपॉन एक्स, करा दिया था पिछली क्लास में. तो इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में लिमिट एक्स टेंड टू ए फाइव एक्स एल एन वन प्लस. अब वन प्लस जब हम करते हैं तो जो क्वान्टिटी है दैट शुड टेंड टू जीरो. जो स्टैंडर्ड लिमिट है हमारे पास एल एन वन प्लस एक्स अपॉन एक्स, ये किसके लिए वैलिड है? x टेंड टू जीरो के लिए. तो एफ एक्स माइनस वन यहाँ किया है तो यही टर्म जो है हमारा नीचे भी होना चाहिए. और यही टर्म हमने फिर मल्टीप्लाई भी कर दिया, मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया. क्यों किया? एफ एक्स टेंड कर रहा था वन को तो एफ एक्स माइनस वन टेंड कर रहा है जीरो को. और ये पूरा का पूरा स्टैंडर्ड लिमिट क्या बन जाएगा? वन. हमारे पास बचा क्या? हमारे पास बचा लिमिट एक्स टेंड टू ए एफ एक्स माइनस वन एफ एक्स माइनस वन इंटू फाइव एक्स. तो एल एन एल की वैल्यू है इसलिए ई की पावर में चला जाएगा. जो वन को जा रहा है उसको पकड़ लो, उसमें से वन सब्ट्रैक्ट कर लो. ठीक है, तो फटाफट क्वेश्चंस करेंगे, वैसे ही फीलिंग आ जाएगी जैसे हम लोगों ने पीएनसी में किया था बेगस मेथड में. बैक टू बैक क्वेश्चंस रैपिड फायर राउंड में. क्वेश्चन नंबर वन शुरू कर रहे हैं बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन से, बिल्कुल बेसिक. लिमिट एक्सटेंडिंग टू वन, इस क्वेश्चन में आपको अलग अलग वैल्यू के कॉरेस्पॉन्डिंग बताना है. पहला पार्ट है ऑब्वियसली एक्सटेंडिंग टू वन, दूसरा है जीरो, तीसरा है इंफिनिटी. वन प्लस एक्स अपॉन टू प्लस एक्स, वन माइनस रूट एक्स अपॉन वन माइनस एक्स. ये बताना है आपको तीनों केसेस के लिए ये क्या आ रहा है. मतलब यहाँ पे आंसर आपका होगा वन के लिए. सो ये तीनों पार्ट्स आपको सॉल्व करने हैं. फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर टू पे. क्वेश्चन वन आप लोग ट्राई करिए, तब तक मैं आगे क्वेश्चन लिख रहा हूँ. फंडामेंटल्स क्लियर करने के लिए क्वेश्चन दिए हैं.
इनका कहना है अस्तित्व का कि वॉल्यूम कम है, ऐसा है क्या भाई? आप लोग को आवाज आ रही है क्लियर है? नहीं सर, क्लियर है, सही है, क्लियर है सर। पहले पार्ट का जो आंसर है एक्सटेंड टू वन का, तो आंसर बिल्कुल सही है, रूट टू बाई थ्री। रूट टू बाई थ्री एक्सटेंडिंग टू वन पे, भाई एक्स जब वन को टेंड कर रहा है तो आप देखो ऊपर जा रहा है टू को, नीचे जा रहा है थ्री को, और यहाँ पे आप एक फैक्टर कैंसिल कर दोगे तो नीचे क्या बचेगा, वन प्लस रूट एक्स, तो ये वन बाई टू हो जाएगा। तो ये कोई इंडिटरमिनेट फॉर्म तो बन नहीं रहा, आप डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो। फिर एक्सटेंड टू जीरो पे क्या होगा, ऊपर जा रहा है वन को, नीचे जा रहा है टू को, और फिर पावर में जा रहा है वन को, तो ये हो जाएगा वन बाई टू एक्सटेंड टू जीरो पे। इन्फिनिटी वाले में आपको पता है कि ऊपर नीचे टर्म है, तो कोफिशिएंट देखना है, लिमिट लीडिंग कोफिशिएंट तो वन हो जाएगा, ऊपर भी वन और नीचे भी वन, ठीक है, और पावर में वन अपॉन वन प्लस रूट एक्स है, तो रूट एक्स इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है, पावर ओवर जीरो को टेंड कर रहा है, तो आंसर हो जाएगा वन। नॉइस इसकी तरफ से आ रहा है भाई। हाँ अब देखो ये हो गया एक्सटेंड टू इन्फिनिटी के लिए, अब आते हैं क्वेश्चन में टू पे। क्वेश्चन में टू का आंसर वन बाई फोर करेक्ट है, वन बाई फोर। देखो एक्सटेंड टू इन्फिनिटी पे आपको क्या करना है, सीधा लीडिंग कोफिशिएंट देखते हैं, वन पॉइंट टू आ गया, और यहाँ पे टू और यहाँ वन, वन बाई फोर हो गया। क्वेश्चन नंबर थ्री, आप लोग की स्पीड बढ़ गई है तो मैं भी थोड़ा क्वेश्चंस की स्पीड बढ़ा रहा हूँ। क्वेश्चन डेफिनेटली पूरा पूरा लिखेंगे, आंसर जल्दी देने के चक्कर में आप नहीं लिखेंगे, इट विल नॉट बी बेनिफिशियल, क्योंकि जब आप लिखते हैं तो ब्रेन आपका उस चीज को प्रोसेस करता है, रिटेंशन लॉन्ग टर्म तक होगा, एग्जाम में क्वेश्चन देखते ही स्ट्राइक कर जाएगा। इन एग्जाम्स में अच्छा करने के लिए डिसिप्लिन का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है भाई। ओके क्वेश्चन में थ्री का आंसर जीरो आ रहा है, ये आंसर करेक्ट है। देखो भाई एक्स जब टेंड कर रहा है इन्फिनिटी को तो हमें लीडिंग कोएफिशिएंट देखना है डायरेक्टली, है ना, तो यहाँ पे टू दिख रहा है, ऊपर में वन दिख रहा है, तो वन बाई टू की पावर इन्फिनिटी बन जाएगा ये इफेक्टिवली, दैट इज जीरो। क्वेश्चन फोर पे आते हैं, ये जा रहा है वन को, ये जा रहा है वन को, माइनस वन, तो वन की पावर इंफिनिटी बन रहा है। क्वेश्चन फोर का आंसर 15 करेक्ट है। चलिए थोड़ा और टाइम दे रहा हूँ आप लोगों,
चलिए क्वेश्चन नंबर थ्री पे आते हैं. क्वेश्चन नंबर थ्री, सॉरी थ्री तो मैंने बता दिया, फोर. सो क्वेश्चन नंबर फोर, ये वन के पावर इन्फिनिटी का फॉर्म बन रहा है, तो वन के पावर इन्फिनिटी जैसे ही कंफर्म हो गया उसके बाद हमारा काम क्या है, उसके बाद काम ये है कि हम जो क्वांटिटी वन को जा रही है उसे पकड़ लेते हैं, उसमें से हम वन सब्ट्रैक्ट कर देते हैं. तो वन को जो आने वाली क्वांटिटी ये पूरी है, तो पूरे को ई की पावर में रेज करना है, ये नहीं भूलना है. तो ई की पावर लिमिट एन टर्निंग टू इन्फिनिटी फाइव की पावर वन बाई एन प्लस थ्री की पावर वन बाई एन माइनस टू इंटू एन. नाउ जैसे ही एन टर्निंग टू इन्फिनिटी आता है, आपके दिमाग में आ जाता है कि स्टैंडर्ड लिमिट्स के लिए हमें जो हमारा एन टेंड कर रहा है इन्फिनिटी को, उस एन को अब कहाँ ले जाना है, वन बाई एन पे. एन टेंड कर रहा है इन्फिनिटी को तो वन बाई एन टेंड करेगा जीरो को, तो इसलिए हम एन नहीं ढूंढ रहे हैं, वन बाई एन ढूंढ रहे हैं. सो लिमिट एन टेंड टू इन्फिनिटी पे फाइव की पावर वन बाई एन माइनस वन प्लस थ्री की पावर वन बाई एन माइनस वन, ये जो एन था उसको हम नीचे लाएंगे तो वन बाई एन बन जाएगा और यहां से मिल जाएगा हमें e की पावर एल एन फाइव प्लस एल एन थ्री एल एन फिफ्टीन. क्वेश्चन नंबर फाइव, क्वेश्चन नंबर फाइव पे आते हैं. फाइव का आंसर काफी लोग आ गया है, वन बाई ई, ये बिल्कुल सही आंसर है क्वेश्चन नंबर फाइव का, वन बाई ई. सो ई की पावर में करना है रेस, तो मैं ई की पावर पहले ही लिख दे रहा हूँ ताकि मिस्टेक ना हो, ये कॉमन मिस्टेक है वन की पावर इन्फिनिटी के अंदर. तो लिमिट एक्सटेंड टू इन्फिनिटी, वन को जाने वाला टर्म ये है, तो इसमें से मुझे वन सब्ट्रैक्ट करना है, बचा हुआ कहाँ आ जाएगा, प्रोडक्ट में. सो ई की पावर में लिमिट एक्सटेंड टू इन्फिनिटी x माइनस वन माइनस एक्स डिवाइड बाई वन प्लस एक्स इंटू एक्स, सो ई की पावर माइनस वन. नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर सिक्स, ई की पावर लिमिट एक्स टेंड टू इन्फिनिटी एक्स प्लस सिक्स अपॉन एक्स प्लस वन माइनस वन एक्स प्लस फोर. लीडिंग कोएफिशिएंट देखना डायरेक्टली. क्वेश्चन नंबर सिक्स का आंसर ई की पावर फाइव करेक्ट है, सिक्स तक मैक्सिमम लोग पहुंच गए हैं. तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिख देता हूँ फिर, क्वेश्चन नंबर टेन. आप लोग इधर बताते रहिए ऑडियो के थ्रू, ऑडियो वर्क कर रहा है आप लोग, बंद हो गया. यस सर, इधर से बताते रहिए, टेक्स्ट पढ़ने में टाइम लगता है ज्यादा. क्वेश्चन नंबर सेवन का आंसर क्या आ रहा है, वन. क्वेश्चन नंबर सेवन का आंसर वन करेक्ट है. एट्थ का ई, एट का ई करेक्ट है. नाइन्थ का ई की पावर माइनस वन बाई टेन. नाइन्थ का रुक जाओ, बाकी लोग करने दो, तो सब लोग का हो गया क्या, मैंने अस्तित्व को तो अनम्यूट नहीं किया था, मुझे पता है बाकी सब क्वेश्चन करने नहीं देगा. सर कोई बोल ही नहीं रहा जल्दी जल्दी. अच्छा लिख दो ना, सर नाइन्थ का ई की पावर माइनस के थर्टी माइनस वन बाई थर्टी.
माइनस वन बाई टेन नहीं, माइनस वन बाई थर्टी आना चाहिए भाई। चलो क्वेश्चन में टेन लिख दे रहा हूँ, काफी लोग पहुंच गए हैं नाइन तक। को कॉस एक्स की पावर कॉट स्क्वायर एक्स कमिंग टू क्वेश्चन नंबर सेवन कर लिया है। सेवन ई की मैं सबसे पहले चेक करना था, तो हमने देख लिया ये वन को टेंड कर रहा है, ये इंफिनिटी को टेंड कर रहा है, तो ई की पावर में लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो सब्ट्रैक्ट किया है वन, जो वन को जा रहा था उसमें बचे है क्या ऊपर में टेन एक्स माइनस साइन एक्स डिवाइड बाई वन प्लस साइन एक्स कॉसेक एक्स, तो ई की पावर में लिमिट एक्सटेंड टू जीरो। नाउ सी टेन एक्स माइनस साइन एक्स जो है उसको जरूरत किसकी पड़ती है ये देख सकते हो, और इसमें भी एक चीज है कि आप जल्दी से इसको बाहर कर दो क्योंकि ये फालतू में टाइम वेस्ट करता है आपका। वन प्लस साइन एक्स टर्म में वन को टेंड कर रहा है, और टेन एक्स माइनस साइन एक्स इसकी जरूरत पड़ रही है अगर देखना है, तो टेन एक्स जो है वो कॉम वन माइनस कॉस एक्स और अपॉन साइन एक्स की बात करें अगर, तो अभी भी और चीजों की जरूरत है। कैसे टेन एक्स अपॉन साइन एक्स को बैलेंस हो गया, अभी एक्स एक्स चाहिए दोनों को एक्स टेंड टू जीरो पे, वन माइनस कॉस एक्स को चाहिए एक्स स्क्वायर, तो एक्चुअली तुम एक्स स्क्वायर सप्लाई करोगे यहाँ एक्स स्क्वायर सप्लाई करोगे, तो ये जो क्वांटिटी है ये तो tan x upon sin x बन जाएगा वन, जीरो आ गया है ना, तो आगे से इतना ना करना पड़े उसके लिए मैं एक सिंपल से ट्रिक बता रहा हूँ आपको। हम ऐसा सोच लेंगे जिसको जितनी जरूरत है अगर उतना नहीं मिल रहा है तो वो रूठ जाएगा है ना, और cos x है तो इसको x स्क्वायर चाहिए, आगे से चूंकि ये एक्सप्रेशन हमें फ्रिक्वेंटली मिलने वाला है tan x माइनस sin x जो है ये हमें आगे भी मिलने वाला है, तो इसको हम ऐसे याद रख सकते हैं कि tan x माइनस sin x को क्या चाहिए x क्यूब, ये मिले कई बार याद हो जाएगा खुद को। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में देखो फिर से sin 1 by x extend to infinity पे sin 1 by x कहाँ टेंड कर रहा है भाई, जीरो को, cos 1 by x टेंड कर रहा है 1 को, वन की पावर इंफिनिटी है तो ई की पावर में लिमिट एक्स टेंडिंग टू इंफिनिटी साइन वन बाई एक्स प्लस कॉस वन बाई एक्स माइनस वन इंटू एक्स, अब एक्स नीचे आ गया तो वन बाई एक्स प्लस कॉस वन बाई एक्स माइनस वन अपॉन में वन बाई एक्स, वो नहीं मिल रहा है इसको नीचे क्या चाहिए था, वन बाई एक्स स्क्वायर चाहिए था, तो ये रूट जाएगा जीरो हो जाएगा, तो आंसर क्या जाएगा एक की पावर वन। क्वेश्चन नंबर नाइन, ई की पावर माइनस वन बाई थर्टी, वन बाई थर्टी करेक्ट आंसर है, और टेंथ का ई की पावर माइनस वन बाई टू, ई की पावर माइनस वन बाई टू टेंथ का करेक्ट आंसर है, और इलेवेंथ का भी यही है, इलेवेंथ का भी यही है, नहीं इलेवेंथ गलत आ रहा है, सबसे पहले चेक कर लो वन की पावर इनफिनिटी फॉर्म बन रहा है क्योंकि नीचे में टू प्लस रूट नाइन, टू प्लस थ्री फाइव बन रहा है, फाइव बाई फाइव वन, वन की पावर इनफिनिटी, तो e की पावर में
लिमिट एक्सटेंड टू जीरो फाइव एक्स माइनस वन इंटू कॉसेक एक्स सो ई की पावर में फाइव माइनस टू थ्री माइनस रूट अंडर ऑफ नाइन प्लस एक्स डिवाइड बाई टू प्लस रूट अंडर ऑफ नाइन प्लस एक्स इंटू वन अपॉन साइन एक्स सो यहां पे क्या होगा ये जो टर्म है तुम्हारा ये अननेसेसरी टाइम कंज्यूम कर रहा है. मैंने पहले भी आप लोगों को बताया है कि ऐसे टर्म्स को आपको इमीडिएटली बाहर कर देना चाहिए जो कि प्रॉब्लम क्रिएटिंग एलिमेंट्स नहीं है क्योंकि कोई इंडिटरमिनेट फॉर्म नहीं बना रहे हैं ना. तो इसको हम बाहर कर दें तो टाइम बच जाएगा. अब एक चीज और भी आप बाहर कर सकते हो जब ये टर्म है आपका न्यूमरेटर वाला थ्री माइनस रूट अंडर नाइन प्लस एक्स इसका जीरो भाई है उसको भी आप बाहर कर सकते हो क्योंकि वो आपका इंडिटरमिनेट फॉर्म में कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है. उसको सिक्स बना के बाहर कर दो क्योंकि थ्री माइनस थ्री जीरो हो रहा है तो ऑब्वियसली जो कॉन्जुगेट होगा वो थ्री प्लस थ्री देगा. तो मैंने उसको भी बाहर कर दिया. बचा क्या मेरे पास न्यूमरेटर में नाइन माइनस नाइन प्लस एक्स डिवाइड बाई साइन एक्स फिर नाइन नाइन कट गया माइनस एक्स अपॉन साइन एक्स क्या हो जाएगा माइनस वन तो ई की पावर माइनस वन बाई थर्टी. क्वेश्चन नंबर टेन पे आते हैं आप ई की पावर माइनस वन बाई टू और इलेवेंथ का आंसर ई की पावर माइनस एक्स तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा हूँ क्वेश्चन ट्वेल्व. ऐसा लग रहा है क्वेश्चन में इलेवन तक काफी लोगों ने कर लिया है. नेक्स्ट क्वेश्चन में ट्वेल्व कॉस एम एक्स की पावर एन बाय एक्स स्क्वायर और ये गिवन है कि एम एन जो है वो नेचुरल नंबर है. ओके क्या आंसर आ रहा है क्वेश्चन नंबर 12 में e की पावर माइनस एन एम स्क्वायर बाय टू माइनस एन एम स्क्वायर बाय टू एम एन स्क्वायर बाय टू एन एम एन एम स्क्वायर बाय टू यस सर. स्क्वायर किसका आ रहा है एम एम फॉर मंकी का एम फॉर मुंबई आ रहा है ना स्क्वायर एम. ठीक है ठीक है e की पावर एम स्क्वायर एन बाई टू. च
चलो अभी क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं फिर। 9 तक तो मैंने बता दिया था आपको। ओके क्वेश्चन नंबर 10। ई की पावर में लिमिट एक्स टेंड टू जीरो कॉस एक्स माइनस वन इंटू कॉट स्क्वायर एक्स है ना, उसको नीचे ले आते हैं टेन स्क्वायर एक्स बना देते हैं और यहां से आप डायरेक्ट लिख सकते हो कॉस एक्स माइनस वन को एक्स स्क्वायर की जरूरत है वो इफेक्टिवली टेन स्क्वायर एक्स से आ जाएगा। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ से ई की पावर माइनस वन बाई टू। क्वेश्चन नंबर 11 की पावर में लिमिट एन टेंड टू इन्फिनिटी वन की पावर इन्फिनिटी फॉर्म बन रहा है, वन को जाने वाला टर्म ये है कॉस एक्स बाई रूट एन, इसमें से वन सब्ट्रैक्ट कर देंगे बचा हुआ जो है वो प्रोडक्ट में आ जाएगा, बचा हुआ क्या है एन। और जब एन टेंड कर रहा है इन्फिनिटी को तो आप ढूंढते हैं किसको, वन बाई एन को, क्योंकि वन बाई एन टेंड करता है जीरो को। तो ई की पावर में लिमिट एन टेंड टू इन्फिनिटी कॉस एक्स बाई रूट एन माइनस वन अपॉन वन बाई एन, तो एक्स बाई रूट एन है तो इसका स्क्वायर होगा, एक्स स्क्वायर जो है आप सप्लाई कर दो। अब यहाँ से आपको साफ साफ दिख जाएगा ये वाला जो एक्सप्रेशन जो मैंने ब्रैकेट में डाला है माइनस वन बाई टू हो जाएगा और बाहर में एक्स स्क्वायर नहीं माइनस एक्स स्क्वायर बाई टू। सो मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 12 13 का e की पावर e स्क्वायर आ रहा है। 13 का e की पावर e स्क्वायर करेक्ट आंसर है 13 का। 14 का b आ रहा है। 14 का b चलो अभी बाकी लोगों कर लें तो एक बार फिर 14 में बताऊंगा। जिन्होंने 14 अटेम्प्ट कर लिया उनके लिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिख दे रहा हूं। क्वेश्चन 15 लिमिट एन टेंड टू इन्फिनिटी ओके लिमिट एन टेंड टू इन्फिनिटी क्वेश्चन 15 है। a माइनस वन प्लस डिवाइड बाई a क्वेश्चन 14 का बी आ गया मैक्सिमम लोगों का, ये करेक्ट आंसर है। ओके क्वेश्चन नंबर 11 तक हम देख चुके थे, 12 पे आते हैं ना। 12 का आंसर शायद मैंने बता दिया था आप लोगों को ई की पावर माइनस एन स्क्वायर एन बाई टू। 15 का क्या रहा है बी की पावर 1 बाय ए। बी की पावर 1 बाय ए करेक्ट आंसर है। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12
वन की पावर इन्फिनिटी बन रहा है, हमने देख लिया है ये वन को जा रहा है, ये इन्फिनिटी को जा रहा है. सो ई की पावर में लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो कॉस एम एक्स माइनस वन इसके प्रोडक्ट में आ जाएगा जो बचा हुआ टर्म है. सो ई की पावर लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो कॉस एम एक्स माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू एन कॉस एम एक्स माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर है, उसको चाहिए क्या होगा, हाँ एम एक्स का होल स्क्वायर. तो आपने क्या किया, एम एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया. तो इसके बाद लिख सकते हो आप एन एम स्क्वायर बाई टू, क्योंकि ये वाला जो है स्टैंडर्ड लिमिट है आपका, इसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस वन बाई टू. ध्यान ये रखना है कि वन माइनस कॉस एक्स होता है स्टैंडर्ड लिमिट में, यहाँ कॉस एम एक्स माइनस वन है तो माइनस आ जाएगा. क्वेश्चन नंबर 13 बचा हुआ अभी, 13 और 14 15 और 16 अटेम्प्ट कर लिया हो, उनके लिए मैं एक और क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ. ओके, कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 13, ई की पावर लिमिट एक्सटेंड टू जीरो टेन पाई फोर प्लस एक्स का टर्म जो है वो टेंड कर रहा है आपका वन को, उसमें से वन को सब्ट्रैक्ट करना है. तो मैं शॉर्ट में वन प्लस टेन एक्स अपॉन वन माइनस टेन एक्स लिख दे रहा हूँ. टेन पाई फोर प्लस एक्स का फॉर्मूला माइनस वन कर दिया मैंने यहाँ पे और इनटू लिख दिया 1 बाई एक्स. तो नेक्स्ट स्टेप में e की पावर लिमिट एक्स टेंड टू जीरो 1 प्लस टेन माइनस 1 वन कट जाएगा 2 टेन अपॉन 1 माइनस टेन इनटू 1 बाई एक्स. नाउ ये टी जो मैंने लिखा है वो टेन एक्स है, तो टेन एक्स अपॉन एक्स जो है आपका 1 हो जाएगा. तो e की पावर 2. क्वेश्चन नंबर 14. सर 16 का n फैक्टोरियल है. 16 का आंसर n फैक्टोरियल करेक्ट आंसर है. और 15 का b की पावर 1 बाई ए. हाँ पिछले क्वेश्चन में पूछना है अस्तित्व का कि m और n नेचुरल नंबर क्यों. आई थिंक m और n नेचुरल नंबर नहीं होते 12th में तो भी आई डोंट थिंक कि कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है. वो जस्ट ऐसे ही कंफ्यूज करने के लिए दे दिया होगा, क्योंकि कॉस के केस में एम और एन के नेचुरल नंबर की जरूरत नहीं है. हाँ अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 16 में है ना, या फिर 15 में बात करें, 15 में भी एन नेचुरल नंबर होना जरूरी था है ना. सो 12th में अगर नहीं भी दिया होता तो भी आंसर यही आता. 16th में फॉर एग्जाम्पल अगर नहीं दिया होता तो आप n फैक्टोरियल नहीं लिख पाते. क्वेश्चन 14 बिल्कुल सही क्वेश्चन पूछा है इन्होंने. ये छोटी छोटी चीजें जो है हमें देखते रहनी है, क्योंकि जेई मेन में एक बार डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन आ चुका है, आप देखिएगा पैकेज में आपके, जिसमें ब्रैकेट में कंडीशन लिखा हुआ था, उस कंडीशन पे ध्यान देने से ही वो सॉल्व हो रहा है ना. क्वेश्चन 14 पे आते हैं. तो x sin to infinity पे tan inverse x कहाँ जाता है, वो जाता है pi by 2 को. तो ये वाला टर्म जो है तुम्हारा ये 1 को जा रहा है, 1 की पावर इन्फिनिटी बन रहा है. सो वी कैन राइट e की पावर में लिमिट x sin to infinity 2 tan inverse x upon pi minus 1 into x. तो 2 बाई पाई अगर कॉमन ले लेते हैं, या लगे हम माइनस 2 बाई पाई कॉमन ले लेते हैं. समझना कि माइनस में दिमाग में क्यों आया है, क्योंकि मैं पाई बाई 2 माइनस टेन इनवर्स एक्स बनाना चाह रहा हूँ.
टू बाई पाई में कॉमन ले रहा था, टैन वर्स एक्स माइनस फाइव बाई टू आ रहा था, मैंने माइनस और कॉमन ले लिया तो ये आ गया। अब इनटू में हो गया एक्स, उसका नेक्स्ट स्टेप में क्या बन जाएगा भाई, माइनस टू बाई पाई तुम्हारा बाहर आ गया, लिमिट एक्स टेंड टू इन्फिनिटी पे, फाइव बाई टू माइनस टैन वर्स एक्स हुआ कॉट इनवर्स एक्स, और एक्स अगर पॉजिटिव है तो कॉट इनवर्स एक्स को हम लिख सकते हैं टैन वर्स वन बाई एक्स। नेक्स्ट स्टेप मैं यहाँ कर दे रहा हूँ, माइनस टू बाई पाई में लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी टैन इनवर्स वन बाई एक्स, और चूंकि एक्स टेंड कर रहा है इन्फिनिटी को, और ढूंढते किसको है, वो है वन बाई एक्स को, तो ये पावर माइनस टू बाई पाई। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 14, बी ऑप्शन आ जाएगा माइनस टू बाई पाई। कमिंग टू क्वेश्चन 15, जिन लोगों ने 17 तक अटेम्प्ट कर लिया उनके लिए एक और क्वेश्चन में लिख दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 18 ये रहा आपके सामने आपकी स्क्रीन पर, लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनिटी एक्स स्क्वायर साइन ऑफ एल एन ऑफ रूट कॉस फाइव बाई एक्स। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 15 का नंबर था अभी डिस्कस करने के लिए। सो वन की पावर इन्फिनिटी का फॉर्म बन रहा है क्योंकि nth रूट ऑफ b, ये b की पावर 1 बाई n है, ये टेंड करता है किसको, 1 को। सो a अपॉन a हो जाएगा 1, 1 की पावर इन्फिनिटी। लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी a माइनस 1 प्लस nth रूट ऑफ b अपॉन a माइनस 1, ये पूरा का पूरा जाएगा e की पावर में, और इसमें आ जाएगा प्रोडक्ट में n। नेक्स्ट स्टेप में e की पावर में लिमिट एन इन्फिनिटी, ध्यान रखना इसमें जो ऑप्शंस दिए जाते हैं आपको अक्सर उसमें यही कोशिश होती है, एक ये है और एक वो डेफिनेट इंटीग्रेशन में तुमने किया है लिमिट ऑफ अ सम वाला। इन दोनों में पता है कि अक्सर स्टूडेंट्स e की पावर भूल जाते हैं, इसलिए दोनों ऑप्शंस रहते हैं क्वेश्चन में ताकि आप वो गलती करो और फंस जाओ। e की पावर वाली गलती हम कहाँ कहाँ करते हैं उसको पहले दिमाग में रखेंगे तो वो गलती ना नहीं होगी हमसे। अब आते हैं e की पावर लिमिट एंड इन्फिनिटी स्टेप में, कि a कट जाएगा ऊपर आके और हम सिंपली लिख सकते हैं b की पावर 1 बाई एन माइनस 1, और यहाँ पे साथ में जो n है वो नीचे आ जाएगा तो 1 बाई एन हो जाएगा, बाहर में 1 बाई ए। सो e की पावर ln b अपॉन a, इसको लिख सकते हैं e की पावर में ln b की पावर 1 बाई ए, दैट इज b की पावर 1 बाई ए। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 में आप चेक कर पा रहे हो कि ये 1 को जा रहा है, ये 1 को जा रहा है, ये सारे टर्म्स जो हैं 1 को जा रहे हैं। तो ऐसे कितने टर्म्स है भाई, n टर्म्स हैं, डिवाइड बाय n क्या हो जाएगा, 1, राइट। सो लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी 1 की पावर 1 बाई एक्स, 2 की पावर 1 बाई एक्स, सो ऑन अप टू n की पावर 1 बाई एक्स अपॉन n माइनस 1 इंटू एन एक्स, ध्यान रखते हुए कि पूरा का पूरा e की पावर में है, तो e की पावर लिमिट x टेंडिंग टू इंफिनिटी माइनस 1 किया है तो ऊपर में माइनस n आएगा, लेकिन ऊपर में टर्म्स कितने हैं भाई, n, तो ये सब नेचुरल फ्लो का स्टेप है जो खुद ब खुद आना चाहिए कि ऊपर में माइनस n लिख रहे हैं और ऊपर में 15 में डाउट है अस्तित्व को, क्या डाउट है भाई बताओ, अस्तित्व बोलो सर, n जो इसमें नेचुरल नंबर क्यों दिया और a ग्रेटर देन 0 क्यों दिया, हां a ग्रेटर देन 0 क्यों दिया,
n नेचुरल नंबर तो समझ में आ गया ना, क्यों? अच्छा nth रूट है इसलिए। हां nth रूट ऑफ b, इसमें डोमेनिक कंडीशन क्या होती है? n नेचुरल नंबर a और ग्रेटर इक्वल टू, हां अब बताओ b तो ग्रेटर है, a ग्रेटर देन 0 क्यों दिया? a ग्रेटर देन 0 अगर नहीं भी होता तो भी शायद काम चल जाता। ए ग्रेटर देन 0 की जरूरत तो नहीं पड़ रही कहीं पे। बी अगर ग्रेटर देन 0 तो ए ग्रेटर देन 0 की जरूरत नहीं है। मे बी फॉर सिमेट्री ताकि हमें कोई हिंट ना मिले क्वेश्चन में। बी ग्रेटर देन 0 तो जरूरी था, ए ग्रेटर देन 0 जरूरी नहीं था ना। लिमिट एक्सटेंड टू इंफिनिटी क्वेश्चन में 16, तो मैं बता रहा था आपको कि माइनस एन अगर ऊपर में गया है तो नेचुरल फ्लो ऑफ स्टेप ये है कि ऊपर में n टर्म्स हैं तो हम सबको 1-1 दे दें माइनस n लिखने के बजाय। और जो साथ में यहाँ ये n है ये कट जाएगा इस सिचुएशन में, जब यहाँ ऊपर माइनस n जा रहा है ना, तो इसको मैं अंडू कर दे रहा हूँ क्योंकि वो कटेगा तभी जब माइनस एन चला जाएगा। और जब बचा हुआ एक्स है यहाँ पे, ये हम जो एक्स बचा हुआ है ये नीचे आएगा 1/x होके, क्योंकि जब एक्स टेंड कर रहा है इनफिनिटी को तो हम ढूंढते हैं किसको है 1/x को। तो यहाँ से आप देख पा रहे हो कि 1 की पावर 1/x - 1 / 1/x ln 1 ln 2 so on up to ln n, प्लस में नेक्स्ट स्टेप में हम डायरेक्टली लिख सकते हैं ln1 + ln2 + ln3 so on up to ln n। तो ये सारे स्टेप्स को हम दिमाग में डेफिनेटली कर सकते हैं ना, ये प्रैक्टिस हो रखी है। हम यहाँ से लिख जाएंगे e^(ln)(n)(n)। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 17, 17 का आंसर क्या आ रहा है भाई? 1/ नहीं गलत आंसर है, e^(a²/b²-a²) माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर करेक्ट आंसर है। 17 का आंसर e^-a²/b² ये आंसर हो। सेवेंटीन और 18 ये दो क्वेश्चंस रह गए। अटेम्प्ट कर लिया भाई, कितना टाइम चाहिए? -π² / 4 करेक्ट आंसर है। ओके क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं, मैं होप सबने अटेम्प्ट कर लिया है। सो क्वेश्चन नंबर 17 में सर, हाँ सर, जो वो वाला क्वेश्चन आपने कराया है cos x की पावर cot square x, उसमें cos x एक्सटेंड टू 0 पे 1 से छोटा ही होगा ना, तो उसको 0 क्यों नहीं बोलते? cos x की पावर cot square x में एक्सटेंड टू 0 पे cos x जो है वो तो छोटा ही होगा ना 1 से, दोनों ही LHL और RHL दोनों में, तो उसको हम लोग 0 क्यों नहीं बोलते? ऊपर तो कुछ भी इंफिनिटी होगा, बहुत बड़ा नंबर है। हाँ भाई बताओ, ये बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन आया है, क्वेश्चन ऑफ द मिलेनियम, कोई बता सकता है भाई इसका आंसर? बोलो। इनका कहना है कि अब तो एक ही तरफ से जा रहा है ना, 1 से छोटा ही है क्वेश्चन में 10, 1 से बड़ा तो हो ही नहीं रहा है, तो इसमें फालतू में लफड़ा क्यों कर रहे हैं? इसको डायरेक्टली बता देते हैं कि ये तो 0 ही होगा, जबकि आंसर आ रहा है e^-1/2, उनके हिसाब से आंसर डायरेक्टली होना चाहिए था 0।
हाँ भाई कोई बता सकता है? इतनी सारी चीजें मैंने आप लोगों को बताई, आप भी कुछ बताओ, आपको भी मदद करनी चाहिए मेरी। कोई भी नहीं बता पाएगा, इसका मतलब मेरा बताया हुआ सब जो है नल एंड वाइड हो गया एक तरीके से। हाँ गुड, चिराग सैनी कुछ कहना चाह रहे हैं? आई लाइक दिस, एक टर्म इन्होंने बोला है, बिल्कुल सही टर्म है। चलिए मुझे लग भी रहा था चिराग तले अंधेरा कैसे हो जाएगा। चिराग बताओ, मैंने अनम्यूट किया तुम्हें, ध्यान से सुनिए क्या कहना चाह रहे हैं। चिराग बोलो। हाँ आवाज नहीं आ रही तुम्हारी, आप लोग को आ रही है आवाज? आवाज तो नहीं आ रही है मुझे, आप लोग को आ रही है इनकी आवाज? हेलो। हाँ चिराग, क्या वो तुम्हारा माइक तो ऑन दिखा रहा है, आवाज नहीं आ रही तुम्हारी? इन्होंने एक टर्म लिखा है रेट, रेट, और ये बिल्कुल सही टर्म है, इन्होंने बात जो है बिल्कुल सही पकड़ी है। कोई इसे एक्सप्लेन कर सकता है? चिराग की तो आवाज नहीं आ रही है। चिराग क्या हुआ तुम्हें, सब ठीक है? माइक ऑन है तुम्हारा, आवाज नहीं आ रही तुम्हारी। हाँ भाई, ये रेट की जो बात कह रहे हैं इन्होंने बिल्कुल सही बात पकड़ी है कि जिस रेट से कॉसेक्स जीरो को अप्रोच कर रहा है। हाँ ये तो बता रहे हैं कि ज्वाइन ऑडियो नहीं किया होगा तुम लोगों ने, तुमने इसलिए शायद नहीं आ रही आवाज तुम्हारी, माइक अनम्यूट होने के बावजूद भी। उसी से रिलेटेड किसी रेट से जो पावर है वो इन्फिनिटी को जा रहा है। इस बात में फर्क है कि अगर कोई क्वांटिटी 1 से छोटी है और उसके ऊपर जो पावर है वो कोई ऐसा टर्म है जो इससे अनरिलेटेड है। जब कोई टर्म 0 को अप्रोच कर रहा है, जिस रेट से अप्रोच कर रहा है या 1 को अप्रोच कर रहा है, उसी से रिलेटेड किसी रेट से ये इंफिनिटी को जा रहा है। दोनों के इंटरप्ले से 0 नहीं बनेगा, कोई कांस्टेंट टर्म आएगा। अगर ये क्वांटिटी 1 से छोटी है और ये कोई कांस्टेंट होता, या फिर ऐसे समझ लो जो तुम जानते भी हो ये कोई कांस्टेंट है और उसके ऊपर पावर जो होता तो ये 0 हो जाता, एक्सटेंडिंग टू 0 पे। लेकिन ये 0 क्यों नहीं हो रहा है, उसकी वजह यही है। तो रेट वाली बात एक बार फिर से बोल के। अरे भाई, जिस रेट से कॉसेक्स 0 का 1 को अप्रोच कर रहा है, जैसे जैसे कॉसेक्स 1 को अप्रोच कर रहा है वैसे वैसे कॉट स्क्वायर एक्स इंफिनिटी को जा रहा है। ये दोनों आपस में रिलेटेड हैं, यही वजह है कि इनके इंटरप्ले से ये कांस्टेंट निकल के आ रहा है। ये वो चीज है जो आप कहीं ना कहीं इसमें जानते हो कि साइन एक्स अपॉन एक्स ये 1 को टेंड करता है। क्यों? क्योंकि जिस रेट से साइन एक्स 0 का अप्रोच कर रहा होता है, मतलब रेट से मतलब यहाँ है कि साइन एक्स जैसे से 0 को जा रहा है वैसे वैसे एक्स भी 0 को जा रहा है, ये दोनों रिलेटेड हैं। यहाँ पे बात क्या होती है कि अगर कॉस एक्स 1 को अप्रोच कर रहा है, 1 के पास जा रहा है, ठीक है, और कॉट स्क्वायर एक्स को उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि 1 से पास में जा रहा है, ये ऑलवेज इंफिनिटी को टेंड कर रहा है। जबकि ध्यान से देखो तो एक्स टेंड टू 0 पे तुम्हारा जो कॉर्टेक्स ग्राफ है वो ऐसा है। तो जब कॉसेक्स अप्रोच कर रहा है 1 को तो कॉट स्क्वायर एक्स भी अप्रोच कर रहा है इंफिनिटी को। सो वो जितना पास में आ रहा है 1 के वो इतना ही पास में जा रहा है किसके, इंफिनिटी के, मतलब बड़ी क्वांटिटी होती जा रही है दोनों अगर के। कॉस क्या? वाई होता तो हो जाता ना सर, अगर हाँ कॉस वाई होता, वाई भी टेंडिंग टू 0 तो हम कह देते 0। बिल्कुल, हाँ उस केस में 0 हो जाएगा। और आपको ऐसा क्वेश्चन मिलेगा भी टीपीवी में, अगर वो
जो एक्सप्रेशन है तुम्हारा वो कॉट स्क्वायर एक्स नहीं होके वाई होता कुछ, ठीक है, दोनों टर्म्स अनरिलेटेड होते हैं, तो उस केस में वो हो जाता, वो तुम्हें आगे मिलेगा भी शायद कंटिन्यूटी की डीपीपी का फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट डीपीपी का ये टर्म्स, ये क्वेश्चंस गायब हो गए, चलो क्वेश्चन सारे गायब नहीं हुए, अच्छी बात ये, कुछ गायब हुए हैं, सॉल्यूशंस गायब हुए हैं, नोट कर रखा है आंसर, तो हम 18 पे आते हैं, ठीक है, क्वेश्चन में 18, 17 बता दिया था मैंने, या बचा हुआ है 17, नहीं बचा हुआ है, ओके क्वेश्चन में 17 देखते हैं, आ गया क्वेश्चन नंबर 17, देखो साइन स्क्वायर पाई माइनस 2x पाई अपॉन 2 माइनस x टेंड कर रहा है 1 को, पावर जो है वो टेंड कर रहा है इंफिनिटी को, तो e की पावर में लिमिट x टेंड टू 0 जो 1 को जा रहा है वो टर्म ये है जो इंफिनिटी को जा रहा है वो टर्म ये है, नेक्स्ट स्टेप में e की पावर लिमिट एक्सटेंड टू 0 ये हो जाएगा माइनस कॉस स्क्वायर पाई बाई 2 माइनस एक्स और ये तुम्हारा sec स्क्वायर, इसको भी sec स्क्वायर को ऐसा करो 1 अपॉन cos स्क्वायर लिख लो ताकि ये डिनोमिनेटर में आ जाए और cos स्क्वायर पाई बाई 2 माइनस बी एक्स, यहाँ से तुम्हें दिखेगा 0/0 का फॉर्म बन रहा है, 0/0 का फॉर्म बन रहा है, माइनस साइन को कर दो बाहर, तुम्हें पता है कि 0/0 फॉर्म में cos तुम्हारी मदद नहीं करेगा, तुम्हारी मदद करेगा साइन, तो तुम ऐसा करो इसको लिख जाओ साइन पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2 माइनस एक्स डिवाइड बाई साइन पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2 माइनस डी एक्स, इस पूरे का स्क्वायर, और सिर्फ ये वाला पार्ट सॉल्व कर लो, ये आंदर में सॉल्व करके तुम्हारा क्या आएगा, पाई तो कॉमन निकल गया, 2 माइनस एक्स माइनस 2 डिवाइड बाई 2 माइनस एक्स, मैं इसलिए कर रहा हूँ ऐसा क्योंकि साइन 2x बाई साइन 3x है, तुम क्या करते हो सिंपली 2x अपॉन 3x कर लेते हो, मल्टीप्लाई डिवाइड वही होगा, बचेगा सिर्फ ये पाई इंटू 2 माइनस बी एक्स माइनस 2 अपॉन 2 माइनस बी एक्स, कट गया पूरे का स्क्वायर, नाउ 2 कट गया, ये 2 कट गया, फिर ऊपर से x कटेगा, एक्स भी कटेगा, एक्स भी कटेगा, और 2 माइनस एक्स टेंड करेगा किसको, 2 को, 2 माइनस बी एक्स टेंड करेगा किसको, 2 को, बचा क्या है यहाँ से ए अपॉन बी, तो ई की पावर माइनस ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 में देखो भाई लिमिट एक्सटेंड टू इन्फिनिटी पे ये जा रहा है इन्फिनिटी को और ये वाला टर्म पूरा जा रहा है जीरो को क्योंकि कॉस पाई बाई एक्स का टर्म जा रहा है वन को, एल एन वन कहाँ जा रहा है जीरो को, और साइन जीरो जीरो को, तो इन्फिनिटी इंटू जीरो का इंटरटेनमेंट फॉर्म बन रहा है, ऐसे केस में क्या करेंगे लिमिट एक्सटेंड टू इन्फिनिटी साइन, ये वाला टर्म पूरा है जो जीरो को जा रहा है वही यहाँ डिनोमिनेटर में आ जाएगा, कौन सा एल एन वाला, फिर ये पूरा का पूरा लिमिट जो तुम्हारा वन बन जाएगा, इसके बाद क्या करोगे तुम, इसके बाद हमारे पास बचेगा ये, और
ये x स्क्वायर का टर्म नीचे आया तो क्या बन गया, 1 बाई x स्क्वायर। ये तो तुम्हारा जो ब्रैकेट वाला है वो 1 बन के बाहर हो गया। असल में देखो कि लॉग में स्टैंडर्ड लिमिट तुम्हें क्या पता है, वो है 1 प्लस वाला, है ना। तो 1 प्लस रूट कॉस x माइनस 1 बाई x स्क्वायर। और फिर से क्या है, ये वाला टर्म जो यहाँ पे है, क्योंकि ये जीरो को टेंड कर रहा है, ये नीचे आएगा, फिर यहाँ प्रोडक्ट में आएगा अपॉन 1 बाई एक्स स्क्वायर, ये फिर से 1 बन के बाहर चला जाएगा, स्टैंडर्ड लिमिट है। तो बचा आपने पास क्या, लिमिट x टेंड टू इन्फिनिटी रूट अंडर ऑफ कॉस 5 बाई एक्स माइनस 1, जिसमें तुमने क्या कर दिया, रैशनलाइज करते तो क्या बन जाएगा, cos 5 x माइनस 1 अपॉन 1 बाई एक्स स्क्वायर, और इसका जुड़वा भाई है ना 1 प्लस 1 2 बन के बाहर, तो ये बच गया। और इसकी वैल्यू क्या लिख जाओगे, माइनस पाई स्क्वायर बाई 2, क्योंकि यहाँ पाई बाई एक्स है ना, तो तुम्हें क्या चाहिए, पाई स्क्वायर बाई चाहिए ना, तो यहाँ पाई स्क्वायर प्रोडक्ट में आ गया, इसकी वैल्यू कितनी, माइनस 1 बाई 2। क्या लिख जाएंगे नेक्स्ट स्टेप में, माइनस पाई स्क्वायर बाई 4। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही।